हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। अगर आप भी एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप आज के इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आ रहा था यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल को लेकर, तो आपकी फ्रेंड्स आज सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को फ्रेंड्स जो लाइक एम का टारगेट है वो हम रखते हैं यहाँ पे 500 लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दें ताकि हमें भी लगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप जानते हैं पेट्रोल के जो प्राइजेज़ है वो काफ़ी अभी मतलब हाइएस्ट साइड पर चले गए हैं, तो ऐसे में अभी अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का भी जो है वो अभी काफ़ी डिमांड बढ़ गया है और लोग जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ पे एक फ्लेक्स फ्यूल आपको इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि देखा जाए तो बिल्कुल ही यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी रहने वाली है। मतलब अभी जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है मार्केट में उसी में यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करके कंपनीज जो है न्यू इंजन को लॉन्च करेगी, मतलब डेवलप करेगी। इंजन वही रहेगा, कुछ पार्ट्स को चेंज किया जाएगा, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर अभी आप देखते हैं इंडियन मार्केट में तो अभी जो आप पेट्रोल फिल करवाते हैं बाइक्स में उसमें इथेनॉल का जो परसेंटेज होता है वो 5 to 10% के अप्रॉक्स में रहता है। बट फ्रेंड्स फ्यूचर में जो आपको यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल के साथ इंजन देखने को मिलेगा उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अप्रॉक्स में 20% के अप्रॉक्स में मतलब इथेनॉल का जो कंपोजिशन है वो रहने का चांसेस है, मतलब इथेनॉल का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राइजेस है वो थोड़े से कट डाउन हो जाएंगे और इसमें फ्रेंड्स जो मतलब आपका ओवरऑल में परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, तो 2025 तक यहाँ पे चांसेस है फ्रेंड्स कि आपको न्यू प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनीज इसके ऊपर वर्क कर रही है और ये फ्रेंड्स देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शंस नहीं बचता है, या तो फ्रेंड्स वो पेट्रोल बाइक परचेस करते हैं या फिर वो मतलब ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। बट इन फ्यूचर यहाँ पे आपके लिए एक और ऑप्शन आने वाला है और फ्रेंड्स जल्दी फ्रेंड्स ये भी आपको मतलब गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी जो पेट्रोल का प्राइसेस है वो 95 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स में है, तो जब यहाँ पे फ्रेंड्स इथेनॉल का जो कंपोजिशन है वो बढ़ जाएगा और यहाँ फ्लेक्स फ्यूल वाली जो इंजन है वो आ जाएगी तो पेट्रोल का जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पे डाउन हो सकता है। और इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपके पास एक और ऑप्शन भी बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे बाइक्स देखने को मिलेगी, तो लगभग यहाँ पे अभी जो भी बाइक्स आपको देखने को मिल रही है मार्केट में उसमें कंपनीज चेंजेस करके आपको मतलब सेम मॉडल और सेम डिज़ाइन में लॉन्च करेगी, बट वो जो है बस यहाँ पे चेंजेस जो है वो आपको इंजन में ही थोड़ा देखने को मिलेगा। और अभी जो मॉडल्स यहाँ पे सेल हो रहा है हो सकता है हम कंपनी उसमें भी छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करके मतलब कुछ प्रोडक्ट्स उसमें अगर आप चाहें तो ऐड वगैरह करवा करके कंपनी उससे वैसा भी कुछ आपको ऑप्शन दे सकती है। तो इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बस जो भी चेंजेस आएगा वो यहाँ पे आपको पेट्रोल में और थोड़ा इंजन में देखने को मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे छोटा सा अपडेट वीडियो था आपका फ्लेक्स फ्यूल को लेकर। मैं होप करता हूँ आपके यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर हो गई हो। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी रहती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।